हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। वजह ये थी क्योंकि हम गए थे कहीं बाहर घूमने। तो मैं कहाँ पे गए थे मैं आपको नहीं बताऊँगा, आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा हम कहाँ पे गए थे। और दूसरी वजह ये हुई कि मैं घर पे आया तो मेरे डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क उड़ गया, मतलब पूरा क्रैश हो गया। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं घर पे आने के बाद मैं वीडियो एडिट करता हूँ, और यही वजह है कि मेरी वीडियोस हमेशा लेट आते हैं। तो मतलब आप जब ट्रैवल करते हो तो उसी दिन आप वीडियो एडिट करके अपलोड करते हो अगर आपके पास लैपटॉप हो, तो इस दिक्कत की वजह से मेरे वीडियोस लेट आते हैं। तो अभी कोई नहीं, मैंने कोई हार्ड डिस्क का जुगाड़ कर दिया है, काफ़ी सारा मेरा डेटा भी उड़ गया इसकी वजह से। तो आज हम एक नया वीडियो ला रहे हैं, काफ़ी दिनों से हमने कुछ फूड वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने आज सोच रहा हूँ कि मैं आज एक फूड वीडियो बनाता हूँ, और आने वाले दिनों में मेरा जो ट्रैवल का जो वीडियो है वो आते रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे आपने थंबनेल में देखा, हम आज बना रहे हैं कीमा द मुंबई स्टाइल। ये ग्रीक कीमा है जो यूजुअली ईरानी होटल्स में सर्व किया जाता है। तो अभी यहाँ से हम सीधा किचन में जाएंगे और मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनाते हैं। सो गाइस अभी हम ये रेसिपी शुरू करते हैं। इसमें काफ़ी सारा कोरिएंडर लगता है, क्योंकि जैसे इसके नाम में है, दिस इज द ग्रीन कीमा कोरिएंडर। के अलावा इसमें 8 से 10 पुदीना के पत्ते, और मैं इसमें ये ग्रीन पालक भी डालता हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है, मतलब मुझे ये ग्रीन कलर पसंद है इसके लिए मैं ये डालता हूँ। तो बेसिकली प्योरली ये आपके कलर के लिए हैं। तो ये 2 हरी मिर्चें हैं, फिर इसमें जाएगा साबुत धनिया, ये 1/2 टेबल स्पून है, हाफ टी स्पून साबुत जीरा, तीन से चार काली मिर्च, करीब 2 हरी इलायची, और ये जो बड़ी इलायची है इसके अंदर के जो ये दाने हैं आपको सिर्फ वो इस्तेमाल करने हैं। तो पूरी बड़ी इलायची आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। इसमें मैं ये 2 से 3 आइस क्यूब डालूँगा। आइस क्यूब डालने की वजह ये है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। थोड़ा पानी डालूंगा, तो अभी हम इसको अच्छी तरह से पीसेंगे। वही सभी हमने इसको अच्छी तरह से ये पीसी है इस पेस्ट को। अभी हम इस पेस्ट को ऐसे ही रखेंगे ताकि, क्योंकि ये हमें बाद में इस्तेमाल करनी है। सो वही सभी हमने वो पेस्ट को पीस के मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा है। रेफ्रिजरेटर में रखने की वजह ये है क्योंकि जब भी हरी सब्जियां आप काटते हो या तो आप पीसते हो, तो गर्मी में इसका कलर चेंज होता है, ये काली पड़ती है, तो मैंने इसका कलर मेंटेन करने के लिए फ्रिज में रखा है। तो अभी हम हमारा प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गैस चालू करता हूँ, पैन को थोड़ा गर्म होने देता हूँ, और इसमें करीब करीब 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है कि उसी में इसका टेस्ट रहता है। करीब 2.5 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। इसको थोड़ा सा इसकी आँच मीडियम करते हैं ताकि थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए, और इसके बाद हम इसमें ऑनियन डालेंगे। ये हमने 2 मीडियम ऑनियंस लिए हैं, मैंने ऑलरेडी इसको काट के रखा है, थोड़ा फाइन काटा है क्योंकि हमारे बच्चों को दांत के नीचे ऑनियन आया हुआ अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा मैंने इसको फाइन काटा है। आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं। तो वही सब्जी हम ऑनियन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। गाइस, ये अभी ऑनियन थोड़ा सा
ब्राउन हो चुका है, तो इसमें अभी हम एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये अपना रॉनेस छोड़ता नहीं है और पक जाता है। मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो फ्राई हो रहा है उसका स्मेल आ रहा है। भाई अभी हमने ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली थी ये पक चुकी है, एज इन इसका जो रॉनेस है वो चला गया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे कीमा। तो ये 1/2 किलो कीमा है जो मैंने डाला है इसमें, दिस इज चिकन कीमा। तो आप देखोगे तो ये हाथ से काटा हुआ कीमा है, दिस इज़ नॉट मशीन वाला, क्योंकि मशीन में कीमा पूरा पेस्ट हो जाता है, तो जो खुरदरापन होता है जो दांतों के नीचे आपको लगता है मीट का वो आपको लगेगा नहीं। तो इसमें जाएगा नमक जो आपके स्वाद अनुसार रहेगा। एक 1/4 स्पून इसमें हल्दी जाएगी। आपको इसे कंटिन्यू खिलाना होगा नहीं तो कीमे की गुठलियाँ होएगी। तो इसका हर एक क्रम ये सेपरेट होना चाहिए, इसके लिए आपको इसको खिलाते रहना है। फ्लेम थोड़ी हाई कीजिए फॉर द इनिशियल कुकिंग। गाइस अभी हमने जो पेस्ट बनाई थी हम वो पेस्ट इसमें डालेंगे। गाइस अभी हमने ये जो पेस्ट डाली है इसमें वो अभी इस मसाले को थोड़ा पकाएंगे। ये 1/3 कप घी लिया है, इसमें हम 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून तीखा लाल है। ये बेसिकली तीखा लाल ये टेस्ट के लिए नहीं है, ये प्योरली कलर के लिए। हम इसको भी अच्छी तरह से कटेंगे, इसमें कोई भी लम्ब्स रहने नहीं चाहिए दही के, क्योंकि जब ये लम्ब्स रहते हैं तो जो आपके कीमे का जो टेक्सचर बनेगा वो स्मूथ नहीं बनेगा, इसमें ऐसे दाने लगेंगे दिखेंगे आपको सफ़ेद दाने। गाइस हमने पेस्ट डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे रखा था करीबन 10 मिनट। तो अभी ये जो हमने पेस्ट बनाई थी कर्ड में विद मसाला उसे हम डालेंगे इसमें। तो गाइस इस पॉइंट पे हम इसमें ग्रीन पीस डालेंगे। ग्रीन पीस को पकने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट जाएंगे।
अभी हमने ये मीडियम फ्लेम पे रखा है क्योंकि ये धीरे धीरे पकना चाहिए। तो गाइस ग्रीन पीस डाल के करीबन 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसको लगाएंगे तड़का। आपको मैं बताता हूँ इसको कैसे टाइप का तड़का लगाते हैं। तो गाइस हमने एक छोटे पैन में एक टेबल स्पून बटर लिया है, इसे हम मेल्ट करेंगे। अभी मैंने फ्लेम मीडियम लो कर दी है। गाइस हमने इस छोटे पैन में बटर को मेल्ट किया, एक बार ये मेल्ट होता है तो हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। गाइस इस कसूरी मेथी को भी कसूरी मेथी का हमने इसको छोटा लगा दिया। अगर आपको लगता है कि ये कीमा ड्राई हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो मॉइस्चर का लेवल है आप उसको गर्म पानी डाल के मेंटेन कर सकते हो उसका मॉइस्चर, क्योंकि अगर ये ड्राई होता है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। गाइस अभी हमारा कीमा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसको अच्छी तरह से लाएंगे। और इसमें आखिर में जाएगा गरम मसाला और इसमें जाएगा एक टेबल और इसमें जाएगा एक टीस्पून और इसमें जाएगा एक टीस्पून गरम मसाला। इसको आपको अच्छी तरह से हिलाना है ताकि मसाला पूरी तरह से मिक्स हो जाए। अब देखो कि थोड़ा सा ये ड्राई हो गया है तो मैं क्या करूँगा इसमें, अभी फिर थोड़ा गर्म पानी डाल के इसका इसमें मैंने अभी थोड़ा सा गर्म पानी डाला है ताकि ये थोड़ा सा इसका मॉइस्चर लेवल एडजस्ट हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई हो रहा था अभी। गाइस मैं अभी इसका टेस्ट देखता हूँ नमक के लिए, ताकि अगर नमक एडजस्ट करना है तो हम इसमें नमक और डालेंगे। गाइस मुझे इसका नमक थोड़ा कम लगा तो इसमें मैं अभी नमक डालता हूँ। कीमा हमारा रेडी हो चुका है, काफ़ी स्वादिष्ट हो गया, मैंने टेस्ट किया। सो गाइस इसी के साथ मुंबई स्टाइल कीमा पाव रेडी है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ी अलग सी कोशिश थी, मतलब फूड प्रिपरेशन इज समथिंग मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये चैनल का नाम रखा था मोटो लाइफस्टाइल, सो फूड वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसके बाद वाले जो वीडियोज़ रहेंगे वो मेरी जो ट्रिप पर मैं गया था उसके रहेंगे, तो मैं वापस आपके सामने आऊँगा एक और एक नई रेसिपी लेके। तब तक के लिए गुड बाय।